नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि ब्रोकर्स पर कम ही भरोसा करना चाहिए, स्वयं से जांच कीजिए। अगर बिजनेस समझ ना आए तो इन्वेस्ट मत कीजिए, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो। अगर हमने 1-6 रुपए वाला बॉल पेन भी खरीदना होता है तो हम सोचते हैं रिनोल्ड का खरीदें या इससे बेटर, इसको चलाकर भी देखते हैं। यहाँ पर आप शेयर केवल टिप्स पर खरीदना चाहते हैं या आप इनमें जिनसे सलाह मशवरा करते हैं वह शेयर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या आप हेल्दी आदमी से पतला होने की सलाह लेंगे? बहुत से आपके सलाहकार कहेंगे हमने यह नाम कभी नहीं सुना। टाइटन का नाम 20 साल पहले किसने सुना था? ट्रेंट का जब हमने वीडियो बनाया तो 5-6 व्यूअर्स के हमारे को मैसेज आए कि ये क्या कंपनी का नाम है, तब 1500 रुपये दाम होते थे। कॉस्मिक, CRF, वारी रिन्यूएबल के भी नाम सुने हुए नाम तो नहीं है। सबस्टांशियल नॉलेज लीजिए और अच्छी तरह समझने की। ASM टेक्नोलॉजी का शेयर हमने बताया था, बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार की थी, बहुत मेहनत से रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन उसको व्यूअर्स 1200 व्यूअर्स ने ही देखा है। कमाल है इसकी कि जबकि उसके ऊपर पिछले 3 दिन से लगातार 5% का कैप लग रहा है। अब हम बात करेंगे सीएंट लिमिटेड, SYIENT सीएंट लिमिटेड के शेयर पर। इसके हम बिजनेस मॉडल फंडामेंटल समझेंगे और प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। साइंट लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इंजीनियरिंग, विनिर्माण, डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क और संचालन पर केंद्रित है। आगे IT सेक्टर का फ्यूचर ठीक नजर आ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। मेन पॉइंट्स, दुनिया की टॉप 30 आउटसोर्सिंग कंपनीज में से एक है। 8 रणनीतिक व्यवसायिक इकाइयों के माध्यम से काम करती है, एरोस्पेस, रक्षा, परिवहन, औद्योगिक ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एनालिटिक्स, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा उपयोगिताएं, स्थानिक सेवार और डिजाइन आधारित विनिर्माण। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। सीएट का हेड ऑफिस और विकास सुविधाएं भारत में ही हैं। यह USA, UK, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और भारत में अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से वैश्विक ग्राहक आधार की सेवा प्रदान करते हैं। पोर्टफोलियो विभाजन की बात करें तो कहां से कितना पैसा इसका आता है? एरो और रेल से 31%, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है इसका। खनन उपयोगिताओं और ऊर्जा से 28%, कनेक्टिविटी, फाइबर और वायरलेस से 23%, नए विकास क्षेत्र ऑटोमेटिव, सेमिकॉन, स्वास्थ्य देखभाल 18%। कंपनी के पास मैसूर, ब्रिटेन, USA में स्थित 3 DLM सुविधाएं हैं। साइंट 22 देशों में मौजूद है। 54% राजस्व केवल USA से आता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। यह बहुत मजबूत है इस कंपनी का। कंपनी 1% से ज्यादा R&D पर खर्च करती है। 23 में तो 1.28% खर्च किया था टोटल रेवेन्यू का। कंपनी के दुनिया भर में 300 से ज्यादा ग्राहक हैं, जिनमें कई उद्योग में 29 फॉर्चून 500 कंपनियां भी शामिल हैं। अच्छे ग्राहक हैं कंपनी के पास। शीर्ष 5 ग्राहकों से ही टॉप 28% का इसको रेवेन्यू आ जाता है। कंपनी के पास 40 पूर्णकालिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां और एक अनुमानिक सहायक कंपनी है। इस बिजनेस मॉडल में तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। हमारी टीम इसको 10 में से 10 नंबर देती है। ये आने वाले समय का बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छे पैसे देके जाएगा। बाजार का आकार 20,936 करोड़ है। बाजार का आकार, बुक वैल्यू 384 रुपये है इसकी। 384 रुपये है बुक वैल्यू। डिविडेंड 1.60% देती है, जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहा जाएगा इसको।
रिटर्न ऑन इक्विटी 18.80% है, यह भी काफी अच्छी है। फेस वैल्यू ₹5 है, कंपनी लगातार कर्जा कम कर रही है, बहुत कर्जा कम किया है कंपनी ने, कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं है। और एकल फिन सर्विस पीवी फिनटेक इसकी पीयर कंपनीज हैं, दोनों ही बहुत टॉप क्लास कंपनीज हैं। कंपनी ने अच्छे क्वार्टर चार FY24 के नतीजे पेश किए हैं। हम FY24 के रिजल्ट FY23 के रिजल्ट से कंपेयर कर लेते हैं। FY23 FY24 सेल है जो 6016 करोड़ से 7147 करोड़ हो गई, 7147 करोड़ हो गए। OPM 17% से 18% हो गया। नेट प्रॉफिट 514 करोड़ से 703 करोड़ हो गया। तो दोस्तों सेल लगातार बढ़ रही है, OPM भी 17% से 18% हुआ है, नेट प्रॉफिट 514 करोड़ से 703 करोड़ हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये तब है जब IT सेक्टर अभी पीछे कंसोलिडेशन फेस में था, अमेरिका में थोड़ी उथल पुथल की वजह से बहुत हेल्दी रिजल्ट्स कहे जाएंगे इनको। कैपिटल है जो इसकी 56 करोड़ की है केवल, 56 करोड़, रिजर्व 4203 करोड़ के हैं, बहुत अच्छे रिजर्व हैं कंपनी के पास। और बोरिंग है जो सिर्फ 788 करोड़ की है। डेट टू इक्विटी 0.11% ही बनती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 57 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी 436 करोड़ की है, काफी अच्छी बैलेंस शीट है, मजबूत बैलेंस शीट है, स्ट्रांग बैलेंस शीट है। तो कंपनी के कंसोलिडेटेड डाटा अगर देखते हैं हम, तो क्या देख रहे हैं, कंपनी की एफिशिएंसी लगातार बढ़ रही है। डेटर डेज 68 दिन से कम होकर 64 दिन रह गए। इन्वेंट्री डेज भी 228 डेज से 177 दिन रह गए। जो इनके पास स्टॉक 228 दिन तक रहता था वो अब 170 दिन में क्लियर हो जाता है। तो ये एफिशिएंसी ही कंपनी की शो करती है, इससे इंटरेस्ट वगैरह बचता है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 20% से 22% हो गई, जो काफी अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 23.17% शेयर हैं, FII के पास 31.4%, DII के पास 25.91%, पब्लिक के पास 19% शेयर हैं। आप देखिए कि क्वालिफाइड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास 56.95% शेयर है, 50% से भी ज्यादा। ये कंपनियों के पास अपने टीम है, CAs हैं, बैलेंस शीट स्टडी करने वाले हैं, डाटा एनालिसिस करने वाले हैं, और मोर ओवर इनके ऊपर पब्लिक का प्रेशर भी रहता है। इन्होंने भी तो अपनी कारगुजारी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो इनका इतनी इन्वेस्टमेंट होना एक पॉजिटिव पॉइंट है, हेल्दी पॉइंट है। आज हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे, क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करना उचित है। हम बाजार एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स की भी का भी अवलोकन करेंगे, उनकी मदद लेंगे। आज दाम 1880 रुपये है, करंट मार्केट चल रही है अभी। 52 वीक हाई एंड लो 2458 रुपये और 1415 रुपये है। 62 रुपये EPS है, PE 31 है और सेक्टर PE 36 है। सेक्टर PE से भी सस्ता मिल रहा है शेयर। 26 अप्रैल 2024 को MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने, 26 अप्रैल 2024 को मैं रिपीट कर रहा हूं, MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने खरीदें टैग के साथ 2600 रुपये तक का लक्ष्य दिया है। कंपनी का एक साल में 50% से अधिक कर्जा कम किया है। सियंट लिमिटेड ने 12/7/2024 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना अपने सेमीकंडक्टर व्यवसाय की रणनीतिक विस्तार की घोषणा से की है। इसके लिए बनाया आज हमने ये सेमीकंडक्टर में विस्तार करने जा रही है, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग है, इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। एक वर्ष में 31%, 3 वर्ष में 100% का रिटर्न दिया है। 17 विश्लेषक इस शेयर को कवर कर रहे हैं। मजबूत खरीदें 7, खरीदना 7, होल्ड 3। 0 विश्लेषक बेचने की सलाह देता है। एक साल की फोरकास्ट 2186 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 3000 रुपये के पार होगा। सेमीकंडक्टर के विस्तार
सेमीकंडक्टर बिजनेस के विस्तार के बाद जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, रिस्क नए के बराबर है। तो दोस्तों आप समय निकालकर हमारे बनाए वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।